be real. Let's just be honest. Let's just be real. Yeah, let's just be honest. Let's just be real. Namaste, dosto. आज मैं आपके लिए दो रंग की ऊन का डिजाइन लेकर आई हूँ। बहुत ही आसान है, देखो। ये मैं आपको बताऊंगी इसको कैसे बनाया जाता है। ये देखिए, ये रेड और ग्रीन कलर का है। तो इसकी टुकड़ी बनाने के लिए कलर बदलेंगे। ये देखिए, तीन हमने ग्रीन लिए, तीन हमने रेड लिए। इसी प्रकार पूरी सिलाई में तीन रेड तीन ग्रीन लेते हुए पूरी सिलाई हमने कवर की है। अब इसके ऊपर हम रेड पर ग्रीन पर रेड, ये देखिए, ये धागे को इधर करके ग्रीन पर हम रेड बनाएंगे। ये देखिए और रेड पर ग्रीन बना देंगे तीन फंदे। ये देखिए, ये छोटे बच्चों के स्वेटर्स में भी प्यारा लगेगा। पीछे वाला जो धागा है उसको थोड़ा सा लूज रखेंगे, नहीं तो इसमें बल पड़ जाएगा। ये देखिए, इस प्रकार से थोड़ा लूज लूज रखेंगे। ये पूरी सिलाई हम कलर बदलते हुए ग्रीन पर रेड और रेड पर ग्रीन बनाते हुए आगे तक चलते जाएंगे। ये देखिए, तीन तीन के फंदे हैं हमारे। ये देखिए ये ग्रीन, ये हमारा रेड, ये हमारा ग्रीन। ये देखिए, ये उल्टी सिलाई में भी हम जैसे हमारा धागा है उसी हिसाब से चलेंगे, ग्रीन पर ग्रीन ही बनाएंगे। ये देखिए, और इस धागे को पक्का करने के लिए इसको थोड़ा सा खींच लेंगे। ये देखिए, और रेड पर रेड ही बनाएंगे। ये हमारा डिजाइन इस तरह से बनता जाएगा, डबियां डबियां बनती जाएंगी। आगे फिर हम अगली सिलाई में इसी प्रकार रेड पर ग्रीन और ग्रीन पर रेड बनाएंगे। मैं आपको और बताती हूँ। ये देखिए, पहला फंदा उतार कर ये देखिए ग्रीन बनाएंगे इसके ऊपर। ये देखिए, रेड पर ग्रीन और ग्रीन पर रेड। ये देखिए, ग्रीन आ गए हमारे। देखिए, एक सिलाई और करके बताती हूँ मैं आपको। उल्टी सिलाई में जैसा हमारा कलर है उसी के ऊपर ही बनाएंगे, कोई धागा नहीं बदला जाएगा। जिस कलर के ऊपर है वही कलर का बुनेंगे, पीछे से थोड़ा सा लूज रखते हुए आगे तक चलते जाएंगे। ये देखिए, ये देखिए, ये डिजाइन हम बच्चों के स्वेटर्स में डाल सकते हैं। बहुत ही प्यारा सुंदर डिजाइन है और बहुत ही आसान है। ये देखिए, अपना सुंदर प्यारा सा डिजाइन ऐसे बन जाएगा। बस हमें ये देखना है कि पीछे से हमने थोड़ा सा ये जो धागे हैं इनको थोड़ा सा लूज रखना है, जिससे ये बल नहीं आता और ये हमारा बहुत ही सुंदर डिजाइन बन जाता है। बहुत ही आसान है, बस थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि एक तो हमें धागा थोड़ा सा लूज रखना है पीछे से, और दूसरा ये कि ग्रीन के ऊपर रेड और रेड के ऊपर ग्रीन ही बनाएंगे, तभी हमारी ये प्यारी प्यारी डिबियां बनती जाएगी। मेरी ऐसी और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।